दोस्तों, आज मैं आपको चार्ट पर प्रैक्टिस करने का एक तरीका बताऊंगा। इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पे गूगल पर टाइप करना है गो चार्टिंग। अब जैसे ये पहला लिंक आएगा, इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आएगी सर्च बार। सर्च बार में आप कोई भी शेयर डाल सकते हैं। सपोज मैं यहाँ निफ्टी 50 डालता हूँ। अब यहाँ मेरे सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। अब मुझे चार्ट पर प्रैक्टिस करनी है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे आगे की कैंडल्स ना दिखें। तो यहाँ पर ये ऊपर रिप्ले का बटन है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और फिर किसी भी कैंडल पर डबल क्लिक कर दूंगा। अब मुझे आगे की कैंडल्स नहीं दिखेंगी। अब यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कैंडल्स के हिसाब से। यहाँ सबसे बड़ा फायदा ये है, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग दिखती है आपको सीधा। तो कैंडल की क्लोजिंग दिखने से आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा कि कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही आपको कोई ट्रेड लेनी चाहिए। तो आप ऐसे चार्ट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी शेयर की।